हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न, 3 मोल तथा 2 मोल द्रव्यमानों व समान परमाणुता वाली 2 आदर्श गैसों को उनके ताप 27 डिग्री सेल्सियस व 77 डिग्री सेल्सियस पर आपस में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की कोई हानि ना हो तो मिश्रण का साम्यावस्था का ताप है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 गैसें हैं। ये गैस एक मान लेते हैं, ये गैस ये मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है। इसके 3 मोल हैं N1, इसके 2 मोल हैं और यहाँ पर इसका ताप दिया है T1 बराबर 27। इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो 273 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। इसका ताप T2 है, 77 प्लस 273 तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, 7 4 14 1 15, 350 केल्विन। अब एक ताप टी पर अणु की माध्य स्थिति ऊर्जा होती है 3/2 kT। तो यहाँ पर हम ये रख देंगे, इसकी ऊर्जा E1 3/2 NKT होता है, N नंबर ऑफ मोल है हमारे पास, तो यहाँ पर 3 मोल और K और टेम्परेचर है हमारा 300। इसकी ऊर्जा हो जाएगी E2 3/2 NKT, N इसके हैं तुम्हारे 2, K और T है इसका 350। जब हम दोनों को मिला देते हैं गैसों को तो यहाँ पर कुल मोल हो जाते हैं N1 प्लस N2 जो कि 3 + 2 = 5 हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी E बराबर 3/2 के N1 N2 इंटू T। चूँकि कोई हानि नहीं हो रही है, चूँकि ऊर्जा की हानि नहीं है तो दोनों ऊर्जाएं ये सम्मिलित ऊर्जा बराबर इसी ऊर्जा की होगी, तब E1 प्लस E2 बराबर हो जाएगा E के। तो यहाँ ये रख देंगे 3/2 3K × 300 धन 3/2 2K × 350 बराबर ये 3/2 K 3 × 2 T। तो 3/2 K 3/2 K और 3/2 K ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ से 3 × 300 प्लस 2 × 350 बराबर आ जाएगा 3 × 2 = 5 T। तो ये हो गया हमारा 900 और ये हो गया 35 × 70 700 और ये 5 T। 7 और 9 1600 हो गया बराबर 5 T। 5 से काट देंगे, 5 × 15 बचा 1, 5 × 10 320 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा मिश्रण का। अगर हमें सेल्सियस में निकालना है तो हम इसको निकालेंगे 320 - 273, तो 10 में से 7 गया, 3 गया तो 7, और यहाँ 11 1 बचेगा, 11 में से 7 गया तो 4। इस तरह से 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा मिश्रण का, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत